इस चैनल पर हम आपके लिए रहस्यमय और स्वास्थ्य संबंधी सभी बातें लेकर आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होने से शरीर सेहतमंद रहता है। बिगड़ते रक्त संचार के कारण कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे डायबिटीज, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ता है। इसे ठीक रखने के लिए अपने दिनचर्या में अच्छी डाइट और कुछ एक्सरसाइज को जरूर शामिल करें। आइए आपको बताते हैं कुछ ऐसे तरीके जिससे आपको शरीर का ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा और बीमारियां भी दूर रहेगी। खराब ब्लड सर्कुलेशन के लक्षण, हाथ और पैरों में ठंडे हो जाना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, हाथों और पैरों में सूजन, पेट की समस्या, कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम, भूख की कमी, थकावट रहना, त्वचा का रंग फीका पड़ना, पैर में अल्सर। उपाय: खाना खाने के बाद टहल लें। ज़्यादातर लोग भोजन करने के बाद लेट जाते हैं या सो जाते हैं। इससे शरीर का मेटाबॉलिज्म धीरे होता है और खाना ठीक से नहीं पचता। शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सही रखने के लिए दोपहर और रात के खाने के बाद थोड़ी देर टहल लें। इससे शरीर का रक्त संचार बेहतर होगा। सुबह साइकिल कीजिए। यदि आपको एक्सरसाइज करने का समय नहीं मिलता तो 30 से 45 मिनट साइकिल जरूर चलाइए। इससे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा और एक्स्ट्रा कैलोरी भी बर्न होगी। पर्याप्त पानी पिए। अच्छे ब्लड सर्कुलेशन के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है। इससे शरीर में मौजूद सभी विषैली पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है। रोज सुबह एक ग्लास गुनगुने पानी के साथ शुरुआत करें। इससे अलावा दिन में कम से कम ग्लास पानी जरूर पिए। खुलकर हंसे। दुनिया के कई हिस्सों में फ्लॉपिंग थेरेपी के द्वारा कई रोगों का इलाज किया जाता है। हंसने से शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है और ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। सिर को उल्टा लटक कर लेटे। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार शरीर के निचले हिस्से में ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, जबकि सिर के हिस्से में कम होता है। इस हिस्से में रक्त संचार बढ़ाने के लिए बेड पर लेटकर 15 से 20 मिनट के लिए सिर को उल्टा लटका ले। इससे फ्लो बढ़ जाता है और तनाव कम होता है, बाल भी स्वस्थ रहते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और शेयर जरूर करें। किसी भी तरह की मदद अथवा सुझाव के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।